अगर आप हिल स्टेशन के साथ समुद्री लोकेशन का लुत्फ एक साथ उठाना चाहते हैं तो इस बार अपने परिवार के साथ गुजरात घूमने का प्लान बनाइए। भारत का गुजरात प्रांत अपनी सांस्कृतिक विविधता की वजह से पूरे विश्व में पहचान रखता है। गुजरात को पश्चिम का जयपुर भी कहा जाता है। अपने इतिहास के लिए मशहूर गुजरात भारत के सबसे औद्योगिक और समृद्ध राज्यों में से एक है। इतिहासकारों के मुताबिक गुजरात को विश्व के प्राचीन सभ्यता में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव स्थल भी माना गया है। अगर आप भारत दर्शन करना चाहते हैं तो आपको गुजरात जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत और भारत की संस्कृति का असली रूप देखने को मिलता है। कहा जाता है कि गुजरात का मौसम साल भर घूमने लायक अनुकूल बना रहता है, इसलिए गुजरात पर्यटन स्थलों में सबका फेवरेट है। अगर आप अपने परिवार के साथ गुजरात घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इन 10 जगहों का दर्शन जरूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर एक पर अहमदाबाद गुजरात का एक अभिन्न शहर है जो अपने विकासशील योग्यता के लिए जाना जाता है। जो भी पर्यटक गुजरात घूमने के लिए आते हैं वो बिना अहमदाबाद घूमने यहाँ से नहीं जाते हैं। गुजरात का अहमदाबाद शहर कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ स्वादिष्ट खाने और गुजरात की संस्कृति के लिए मशहूर है। आपको साबरमती नदी में नाव की सवारी जरूर करनी चाहिए और साबरमती आश्रम को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम योजना इसी आश्रम से बनाई थी और यहीं से उन्होंने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यहाँ पर आज भी महात्मा गांधी के चश्मे, जूते और किताब देखने को मिलेगा। नंबर दो पर गुजरात के कच्छ शहर में स्थित रन ऑफ कच्छ भारत की एक अनोखी शहर है। यहाँ का ज़्यादातर क्षेत्र नमक और रेत से बना हुआ है तथा दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। कच्छ भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और आप यहां से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को देख सकते हैं। कच्छ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी तक होता है। कच्छ का प्रसिद्ध रन महोत्सव भी इसी समय होता है। कच्छ के रन की यात्रा के लिए आप भूज से शुरुआत कर सकते हैं। आप गुजरात में घूमने के लिए आए तो कच्छ शहर में स्थित रन ऑफ कच्छ को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी जगह शायद ही आपने ज़िंदगी में कभी देखी हो। नंबर तीन पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार सरोवर बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है, जो अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दोगुना है। इसे भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एक विशाल प्रतिमा है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के दृष्टिकोण का प्रचार करने और उनकी देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से भारत के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। आज ये देश की नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों का भी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस प्रतिमा के ऊपर जाने के लिए तीव्र गति से चलने वाली लिफ्ट लगी है, जिसे एक ही समय में करीब 40 लोग गैलरी जा सकते हैं, इसलिए आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। नंबर चार पर गिर नेशनल पार्क। शासन गिर के रूप में भी जाने वाला ये वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र शेष घर है। अफ्रीका के अलावा ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां आप इस प्रजाति को देख सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान हर साल 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है और वन्य जीवन को देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई है। यहाँ आप पहाड़ियों, पठारों और क्षेत्रों की 7 प्रमुख नदियों जैसे दातारोड़ी, हिरन, रावल आदि के हिस्सों से बना एक अनूठा परिदृश्य देख सकते हैं। गुजरात में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक, इसमें 400 से अधिक प्रजातियाँ हैं। नंबर पाँच पर है सापुतरा। गुजरात प्रांत में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो वेस्टर्न घाट पर मौजूद है। सापुतरा प्रकृति के सौंदर्य दर्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, निर्मल धारा में बहते झरने और कई मनोरम दृश्य लोगों के दिल में बस जाते हैं। कहा जाता है कि सापुतरा सांपों का निवास स्थान है,
यहाँ पर रहने वाली जातियाँ होली जैसे शुभ पर्व पर सांपों की पूजा करते हैं। अगर आप ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं तो सापुतरा आपके लिए बेस्ट जगह है। नंबर 6 पर सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और चंद्र देवता का गढ़ माना गया है। सोमनाथ का ये मंदिर अपने वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रख्यात है। सोमनाथ मंदिर के साथ यहाँ समुद्री लोकेशन, म्यूजियम और कई पर्यटन स्थल मौजूद है। एक ऐसा शहर है जो अपनी अधिकांश पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ समुद्र तट यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छे से स्थानों में से आते हैं। अगर आप गुजरात घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको सोमनाथ भी घूमने जरूर जाना चाहिए। नंबर 7 पर है देवभूमि द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण का घर है। द्वारिका 4 धामों में से एक है, साथ में इसे भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना साम्राज्य द्वारका शहर में बसाया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी स्थित है। ये सभी रोचक बातें द्वारका शहर को घूमने लायक बनाते हैं। नंबर 8 पर राव होमी द्वारा 1510 में स्थापित भुज शहर गुजरात में घूमने के लिए अच्छे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थानों में से एक है। ये शहर राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और कभी ये कच्छ की राजधानी हुआ करता था। भुज को एक रेगिस्तानी शहर के रूप में जाना जाता है। कई मंदिरों और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ भुज भारत के अद्वितीय ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। भुज में रहते हुए आप भुजिया किला, हमीरसर झील, प्राग महल, आईना महल और शरद बाग पैलेस जैसे जगहों की सैर कर सकते हैं। नंबर 9 पर है जूनागढ़ को जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट का कैपिटल माना गया है, जो अपने इतिहास और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप गिर नेशनल पार्क और गिरनार हिल्स घूमने जा रहे हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। जूनागढ़ में वाइल्ड लाइफ म्यूजियम भी स्थित है, जहाँ कई पर्यटक घूमने जाते हैं। नंबर 10 पर है गांधीनगर। आप सबको ये तो पता ही होगा कि गांधीनगर गुजरात की कैपिटल सिटी है। गांधीनगर अहमदाबाद से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। गांधीनगर में विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर भी स्थित है, जो भारत के सबसे भव्य और सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आप गुजरात की संस्कृति का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको गांधीनगर जरूर आना चाहिए।